इंडिया में वेलकम बैक। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होते हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अब लाहौर के फुटपाथ ही देख लें, ये फुटपाथ कम और स्मॉल इंडस्ट्रीज का मंजर ज्यादा पेश कर रहे होते हैं। फुटपाथ पर कारोबार की वजह से जो पैदल चलने वाले हैं वो सड़कों पर गाड़ियों से बच बचा कर चलने की कोशिश करते हैं और गाड़ियां उन्हें पैदल चलने वालों के दरमियान फंस फंसा कर चलने की कोशिश करती रहती हैं। अब हमारे रिपोर्टर नदीम अंजुम लाहौर के फुटपाथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं। फुटपाथ यूं तो पैदल चलने वालों के लिए है, लेकिन लाहौर के फुटपाथों पर भी अलग दुनिया आबाद है और फुटपाथी इस दुनिया के बासी। खाना पीना तो चलता ही है, फुटपाथ क्लिनिक और फुटपाथ बिजनेस भी जारी है। ये तो सेकंड हैंड मोबाइल और घरेलू जो पुरानी चीजें हैं वो यहाँ बिकती हैं और हमें मुख्तलिफ एजेंसियां तंग करके कोई कारपोरेशन आए कभी कहते उठ जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ। अगर ये काम ना करें तो हम डाके मारे, चोरियां करें या खुदकशी करें। कोई शेव बनवा रहा है और किसी की मालिश हो रही है। गोलगप्पे और गन्ने की रॉ एक ही जगह मिल जाती है और हनीमून कपल्स के लिए डेकोरेशन पीस, जूते और पर्स भी। फुटपाथ में अच्छी चीजें मिल जाती हैं और एक्सपेंस भी कम होता है इसमें और आराम से हम लोग शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। अदरवाइज बड़ी बड़ी मॉल्स में तो आपको पता है कितना एक्सपेंस होता है। कराची से आए हैं, लाहौर के टूर पर आए हैं, हनीमून मनाने के लिए आए हैं। फुटपाथ में शॉपिंग कॉन्सेप्ट यही है कि बंदे को एक ही जगह से काफी चीजें रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। अपना अपना वजन तो सबको मालूम है, लेकिन जिंदगी की कश्ती डोलने लगे और चार बेटियों का वजन कंधों पर आन पड़े तो जिंदगी फुटपाथ पर आ ही जाती है। 7 साल हो गए मजदूरी करते हुए, भी कभी मंडी से सौदा बेचा, कभी कुछ किया, हूँ इधर मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर उससे वजह से मैंने ये वेट मशीन ले आई। 4 बच्चियाँ थी, उसको बड़ी बच्ची को कैंसर हो गया, 3.5 साल उसका इलाज कराया। मेरी बहुत परेशानी आ गई, मुझे घर से रोटी भी नहीं है बच्चों के लिए, ये इधर से ले जाती हूँ माँ के कुछ 150 रुपया बन जाता है, 150 रुपया कभी बन जाता है। 4 बच्चे हैं मेरे, समझ गए, तो ये रोजगार है मेरा, तो बस हम ये चाहते हैं कम से कम हमें बैठने दें। दर्जन डेढ़ है तो अल्लाह का आसरा, फिर किसी से उधारे पैसे मांगेंगे 1000-1500 फिर माल डाल लेंगे। सारी दुनिया सो जाए, फुटपाथ पर जिंदगी जागती रहती है। गॉसिप वो मशकला है जिसमें खवातीन मर्दों को बराबर का हक देने के लिए हरगिज तैयार नहीं है, और ये आर्ट भी तो सिर्फ खवातीन को ही तो आता कि वो बैक वक्त सुन भी रही होती हैं और बातें भी कर रही होती हैं। इसलिए तो मर्द हजरात रोना रोते रहते हैं कि उन्हें किसी वक्त बात करने का मौका ही नहीं मिलता। खवातीन बातूनी तो होती हैं, लेकिन वो ये बात हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। खवातीन ज्यादा बोलती हैं, क्या ये उन पर लगाया जाने वाला इल्जाम है या फिर वो वाकई में ज्यादा बोलती हैं? ये जानेंगे हम आज खवातीन से। जी हाँ, आज जब हमने मार्केट में खरीदारी के लिए आई हुई खवातीन से सवाल किया कि वो दुकानदारों से इतनी बहस क्यों करती हैं, तो इंतहाई मुख्तसर जवाब भी ये था। इतना बोलती हैं सारे, वो अपनी तरफ से बचत करने की कोशिश कर रही थी मगर वो बचत हो नहीं पाती है, दुकानदार अपना बेनिफिट निकाल के फिर वो उनको बताते ना कि सारे से खवातीन कम कराती है, उनको पता है जो सूट। मैं बोलती हूँ, मत बोलती हूँ, दूसरे में इतना नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे तंग आ जाएं, जितनी अपनी गुंजाइश हो उतना बोलें, अगर 2 लोग बात करें लेना है ले, नहीं तो जा लीजिए। अब इससे साबित हुआ कि खवातीन ज्यादा बोलती हैं, लेकिन इसके बावजूद खवातीन ये मानने को तैयार नहीं कि वो ज्यादा बोलती हैं। अव्वल तो वो मानती नहीं है, और कुछ मान भी लेती हैं तो अपने ज्यादा बोलने की वजूहात भी कुछ इस तरह बयान करती हैं। बोलना ही चाहिए, औरतें नहीं बोलेंगी तो काम आदमी बोलेंगे, आदमी बोलेंगे तो काम खराब हो जाता है, औरतें ही को बोलते रहने चाहिए, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। तो कोई वजह होती है बोलते ही, कोई पागल है बोलेगा, इतना दिमाग किसका है कि जो खराब करेगा। गुफ्तगू मुख्तसर और जामे हो तो दिल में असर कर जाती है, अब खवातीन को ये बात कौन समझाए। खवातीन का कहना ये भी है कि अगर मर्द इनकी बात बगैर कहे ही मान लें तो शायद इन्हें इतना बोलना ही ना पड़े। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ अक्सा हुसैन, दुनिया न्यूज, कराची। और नाज़रीन, वक्त तो है एक ब्रेक का, और इस ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको देती हूँ एक हिंट, वो भी तस्वीर के बारे में। लेकिन नहीं, ये क्या, हर बार मैं क्यों आपको हिंट दूँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं ही हिंट दूँ, कभी खुद भी सोच लिया करें।
चलें सोचें, और मैं लेती हूँ एक ब्रेक।